मजहर अब्बास साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। सबसे पहले तो सर सिचुएशन ये कि इस वक्त बड़ा दबाव का शिकार इस वक्त मौजूदा हुकूमत, डॉलर का रेट 200 पे चला गया है, इत्तेहादी एक तरफ कोई नारा लगा रहा है कि जी अर्ली इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, मरीम साहिबा कह रही हैं इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, इमरान खान साहब एक प्रेशर टैक्टिक्स खेल रहे हैं इस वक्त, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ये राय आ जाना, कितना मजीद दबाव बढ़ जाएगा मौजूदा हुकूमत पर, कैसे देख रहे हैं आप इसको वज़ीर साहब? जी शुक्रिया किरण। देखिए इन अ लाइटर नोट के डॉलर 200 पे चला गया है और हुकूमती इत्तेहादियों की मेजॉरिटी कम हो गई है, जो पंजाब में ज़ाहिर है 196 तकरीब 196 के करीब पहुंच गए थे हमजा शहबाज, तो वो अब 171 पे आ जाएंगे, लेकिन अभी ज़ाहिर है कल इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा, लेकिन ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट से हट के तो नहीं हो सकता, तो इस चीज़ के इम्कान, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान है। और बेहतर ये है कि हमजा शहबाज, अगर वैसे तो हमारे यहाँ मोरालिटी के क्वेश्चंस उठाने नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें आज इस्तीफ़ा दे देना चाहिए मेरी राय में। उसकी वजह ये नहीं है कि अभी फ़ैसला नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिकली जब सुप्रीम कोर्ट कह देंगे कि मुनरफिन अरकान का वोट कास्ट नहीं हो सकता, तो फिर जाहिर है जो इस वक्त पोजीशन पंजाब में है, बेहतर है कोई नया लीडर ऑफ द हाउस आए। हमजा शहबाज दोबारा भी लड़ सकते हैं चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, लेकिन बेहतर ये होगा। और अच्छे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तलखी है इस वक्त हमारी सियासत में, इतनी ज़्यादा तलखी है कि आपने सुना है बहुत से वाक़यात ऐसे हुए हैं, एक दूसरे के सपोर्टर्स ने एक दूसरे को ज़ख्मी कर दिया, घरों में आर्गूमेंट्स इस तरीके से होते हैं, तो पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने की ज़रूरत है। अब पॉलिटिकल टेम्परेचर ये बढ़ रहा है। अब फवाद चौधरी साहब को भी मैं भी सुन रहा था, वो ये नहीं बता सके कि शहबाज शरीफ कैसे मेजॉरिटी लूज़ कर गए, क्योंकि उस वहाँ तो कोई भी मुनरफिन या अरकान ने वोट नहीं दिए थे, वहाँ अभी प्रॉब्लम। लेकिन ओवरऑल तो फवाद चौधरी तो सदर साहब को कह रहे हैं तहलील कर दें, असेंबली डिसॉल्व कर दें। अब ये जो मतलब अब मैं इस पर क्या कहूँ, हालांकि वो हमारे दोस्त हैं, वकील हैं, सदर कैसे खुद असेंबली डिसॉल्व कर सकता है? यानी ये कुछ तो सोच लिया करें, मतलब बात डेमोक्रेसी की करते हैं, पार्लियामेंट की करते हैं, आप हुकूमत के खिलाफ। बेहतर होता अगर सोचें आज कि आज अगर इनके 150 अरकान कौमी असम्बली में बैठे हुए होते तो हम तो शहबाज शरीफ को बहुत आसानी से वो कर सकते थे, पारित कर सकते थे। 150 बाहर बैठे हुए हैं। अब आप ये, और पंजाब में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन किरण डेवलप हो सकती है कि अगर हमजा शहबाज मेजॉरिटी लूज़ कर जाएंगे तो फिर मेजॉरिटी किसके पास जाएगी? क्या पुरानी गवर्नमेंट बहाल होगी या चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो करेंगे चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन? अगर शहबाज और अगर चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्ट हो जाते हैं, परवेज़ इलाही ये चाहेंगे कि असेंबली रानी ख्याल, क्योंकि पहले तो उनको इमरान खान साहब ने नामजद किया था, तो इस यकीन दहानी पे नामजद किया था कि वो अपना। वैसे मजहर साहब, इमरान खान साहब कहते थे जब तक मैं हूँ तब तक उस्मान बुज़ार रहेंगे, और अभी अब अजहर सिद्दीकी साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील हैं, वो कह रहे थे कि जी दोबारा बहाल होगा उस्मान बुज़ार साहब का उहदा, तो उस हिसाब से खान साहब चले गए, लेकिन उस्मान बुज़ार साहब शायद वापस आ सकते हैं। मजहर अब्बास साहब, इस वक्त मौजूदा हालात में जिस तरह की पोलराइजेशन भी है, सरक्योज भी है, आपको क्या लगता है मौजूदा हुकूमत के पास बेहतर ऑप्शन क्या है? क्या वो इलेक्शंस की तरफ जाएं? क्योंकि जो इत्तेहादी हैं वो तो इस बात पर राजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इनके लिए ज़्यादा मुश्किल हालात ही पैदा हो जाएंगे। तो आप नहीं समझते कि PMLN क्या खुद अब इत्तेहादियों से अलग होकर डिसीजन ले सकती है, इलेक्शन की तरफ जा सकती है? लगता है आपको? देखिए मुश्किल लग रहा है, उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। देखिए पहली चीज़ ये कि पिछले जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है उस वक्त से इमरान खान सड़कों पर हैं, उनका वर्कर चार्ज है, उनके सपोर्टर्स चार्ज हैं, उनके साथ वो मुसलसल जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो वो तो अपनी एक पिछले 3 हफ्तों से अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। ये इस वक्त गवर्नमेंट का इलेक्शन में जाना उनके लिए सुसाइडल होगा। अब उनके लिए जो दूसरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये कि मईशत की माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई है। अब आप इस वक्त अगर कुछ अनपॉपुलर फैसले करते हैं, ज़ाहिर है पेट्रोल, बिजली, दीगर चीज़ों पे महंगाई का एक सुनामी आएगा, महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। अब या तो आप पिछले अगले 3 महीने में ऐसे फ़ैसले करें कि फिर उसके बाद आप कोई रिलीफ दे सकें। सबसे बेहतर ये ऑप्टिक्स ये होती है गवर्नमेंट की कि जब आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हों, जब आप पेट्रोल बिजली की प्राइसेस बढ़ा रहे हों, तो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें पाबंदियाँ। आप ये बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियाँ ख़त्म करें, आप ले आएँ 1500 सीसी या 1800 सीसी की गाड़ियों में। सब मोहम्मद खान जुनेजो ने बैठा दिया था ना सबको छोटी गाड़ियों में, तो क्यों नहीं पूरी मुस्लिम लीग और पूरे इत्तेहादी ये जितने भी सरकारी अफसरान हैं जिनके अनलिमिटेड पेट्रोल हैं, उसको आप ख़त्म करें या कम से कम करें। इस तरह के इक़दाम करें ताकि ऑप्टिक्स अच्छे जाएँ, ताकि लोगों को ये बता सके ना कि आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं। आप बराह रास्त लोगों पे जब बोझ डालेंगे, ऑलरेडी वो बोझ तले दबे हुए हैं, उनकी चीखें निकल जाएंगी ये सिचुएशन। लेकिन आपको इकनॉमिक फ़ैसले करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ सारा साल से होता ही आ रहा है कि हम सियासत की नज़र कर देते हैं माशी फ़ैसले, और उसकी वजह यह है कि उसका नतीजा ये है कि आज आप डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, आपका डॉलर 200 के करीब पहुँच रहा है। आप कल IMF से आपके दोस्त में मुज़ाकरात हैं, रिलीफ देते हैं, उनका रिलीफ भी क्या होता है, आप उनसे बोलेंगे तो आपको सब्सिडी ख़त्म करनी पड़ेगी। तो अपने लिए तो कुछ स्टैंडर्ड सेट करें ना। ये जो सारे इत्तेहादी हैं जो बड़ा वो उसका करते हैं, कर लेना 50% कैबिनेट को कम करें, इसमें से नेके वॉलंटियर करें, ख़त्म करें, छोटी कैबिनेट करें, कुछ इक़दाम ऐसे करें, इस तरह के बड़े इक़दाम करें। ऐसे ही लोगों पर जब आप बोझ डालेंगे तो ये इस वक्त सिचुएशन जो है इस गवर्नमेंट की, ये बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। एक तगड़ी ऑपोजिशन जो है वो सड़कों पे है। बहुत शुक्रिया।